हेलो फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि कुछ और प्रॉब्लम्स हम लोग एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड देखेंगे, क्योंकि पिछला लेक्चर्स में मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें सिंपली पूछ रहा है कि फाइंड द एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि वो दोनों एंगल बाइसेक्टर्स बताइए जो कि एक ओरिजिन को कंटेन करता है और दूसरा ओरिजिन को नहीं कंटेन करता है, मतलब एक ओरिजिन साइड बाइसेक्टर, एक नॉन ओरिजिन साइड बाइसेक्टर बताइए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करें, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स कंटेनिंग द एंगल कंटेनिंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स बाइसेक्टिंग द एंगल कंटेनिंग द ओरिजिन एंड नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस। कहने का मतलब इन दोनों लाइन से जो भी एंगल बनाया उसका बाइसेक्टर पता करना है। एक उधर जिधर ओरिजिन कंटेन कर रहा है, दूसरा उधर जिधर ओरिजिन कंटेन नहीं कर रहा है, क्लियर। चलिए यहां आते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि चाहे डिमांड जो भी हो आपका क्वेश्चन का, हम लोग को C1 C2 को पॉजिटिव बनाना है एनी हाउ हर क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां लिखेंगे गिवेन लाइंस। तो बताइए इसमें ऑलरेडी देखिए यहां नेगेटिव है, तो क्यों ना हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये हो जाएगा एक L1 हो जाएगा जो कि आपका है 4 - 4x -3y +6 = 0, और दूसरा लाइन है 5x +12y +9 = 0। दूसरे लाइन में कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव था इसलिए इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो पहला वाला लाइन है उसमें कॉन्स्टेंट टर्म नेगेटिव है इसलिए मैंने माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दिया ताकि आपका कॉन्स्टेंट टर्म पॉजिटिव हो जाए। अब हम लोग सीधे क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, सीधा सीधी एंगल इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स कितना हो जाएगा, तो -4x -3y +6 / a² + b² का स्क्वायर रूट, हम एक बार में लिख रहे हैं डायरेक्टली। यहाँ हो जाएगा 5 = आइदर प्लस और माइनस, फिर यहाँ देखो कितना हो जाएगा 5x +12y +9 / ये हो जाएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 25 169 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस बार क्या करेंगे, 13 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13 तेरह चौके 52x -39y +78 तेरह चौके 78 = 5 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +-25x +12 × 5 = 60y +9 × 5 तो 45, ठीक है, इतना आ गया आपका, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि वो इक्वेशन चाहिए, वो बाइसेक्टर चाहिए जो ओरिजिन को कंटेन कर रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे देयरफोर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, हमको पता है कि ओरिजिन साइड ओरिजिन कौन देगा, ओरिजिन साइड बाइसेक्टर ऑलवेज पॉजिटिव साइन, तो यहां से प्लस साइन आप ले लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, दैट इज टेक पॉजिटिव साइन, तो यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में दैट इज टेक पॉजिटिव साइन, तो बोलो कितना हो जाएगा। जैसे ही पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहां हो जाएगा -52x -39y +78 = प्लस साइन, तो यहां हो जाएगा 25x +60y और +45, ठीक है, सबको उठा के उधर लेके चल जाओ, तो 52 - 25 = 77 77x ये इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 9 प्लस 99y और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो -78 = 45 तो यहाँ हो जाएगा 3 तो -33
-33 इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही 11 कॉमन लेंगे तो डियर फोर कितना हो जाएगा, तो 7x प्लस 9y -3 इज इक्वल टू 0। ये जो एक आंसर दिख रहा है ये आपका बाइसेक्टर है जो कि ओरिजिन को कंटेन कर रहा है। दूसरा लिखो डियर फोर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर नॉट कंटेनिंग ऑरिजिन, मतलब दैट इज टेक नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन ले लीजिए। तो जैसे ही नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -52x -39y +78 इज इक्वल टू, नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -25x, ठीक है, -25x -60y -45। सबको उठा के इधर लेके आ जाओ या इसको उठा के इधर लेके आ जाओ तो 27 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 27x, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, तो 39 तो हो जाएगा 21, तो हो जाएगा -21y, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 8 5 13 7 4 11 1 12 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। आई होप कि आंसर मैच कर चुका है। एक बार मैं आंसर को देख लेता हूँ। तो एक हो जाएगा 7x प्लस 9y, 7x प्लस 9y -3 इज इक्वल टू 0। दूसरा -20, हाँ ये और छोटा हो सकता है, 7 9, 3 से देखिए तो 3 से ये छोटा हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डियर फोर ये हो जाएगा 9x माइनस 7y माइनस ये हो गया 41 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका जो है नॉन ऑरिजिन को कंटेन करने वाला आपका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स हो जाएगा, और ये जो ऊपर वाला है ये ऑरिजिन को कंटेन करने वाला बाइसेक्टर्स का इक्वेशन हो जाएगा। क्लियर, आई होप कि इधर दिख रहा होगा। अगर इधर नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ। ये कैमरा को थोड़ा सा उधर फेस कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो जो ऊपर वाला स्क्वायर ब्रैकेट में घेरा गया है वो आपका ओरिजिन साइड बाइसेक्टर है, और जो नीचे वाला जो है आपका वो आपका नॉन ओरिजिन साइड बाइसेक्टर है। तो प्रोसेस वही फॉलो हुआ है जो मैंने आपको बताया है, पॉजिटिव साइन ओरिजिन साइड बाइसेक्टर देगा और नेगेटिव साइन जो है नॉन ओरिजिन साइड बाइसेक्टर देगा, जो कि यहाँ आपके आपको दिख रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक नेक्स्ट क्वेश्चंस एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस। दो स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों के बीच में जहां पर ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा उसका बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, बहुत आसान है। यहां लिखेंगे गिवन लाइंस, सबसे पहले लाइंस को सजा दीजिए। लाइंस में कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव करना है, तो पहला वाला लाइन में ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है, दूसरे में नहीं है तो उसको बना देंगे पॉजिटिव। तो बोलो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल 0, ये ऑलरेडी है। दूसरा हो जाएगा L2 लाइन जो कि -12x -5y प्लस 2 इज इक्वल 0। अब दोनों कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है तो आप इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस -12x माइनस 5y प्लस 2 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं, टेक TAK क्या लेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2, ये हम ले रहे हैं A1 A2। A कितना है 3 इंटू A2, A2 कितना है -12 प्लस B1 कितना है -4, B1 B2 कितना है -5। थोड़ा चेक करो तो हो जाएगा -36 प्लस 20 इज इक्वल टू -16 जो कि निगेटिव आया। मैंने आपको क्या बोला था कि A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव होता है तो माइनस साइन एक्यूट देगा और प्लस साइन ऑब्ट्यूज देगा, पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होगा तो नेगेटिव अगर होगा, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि A1 A2 प्लस B1 B2
अगर पॉजिटिव होता है तो माइनस एक्यूट देगा प्लस ऑब्ट्यूज देगा, उल्टा अगर नेगेटिव हो गया तो प्लस आपको देगा एक्यूट और माइनस आपको देगा ऑब्ट्यूज। तो फिलहाल कौन सा कंडीशन हुआ, नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्ट्यूज हमको चाहिए, मींस नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि नेगेटिव साइन गिव्स ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो यहां से नेगेटिव साइन ले लीजिए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ bisectors, equation of bisector of the obtuse angle, equation of bisector of the obtuse angle is, कितना होगा, तो negative sign considered कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 39x minus 52y plus 91 is equal to, ठीक है, 13 से multiply कर दिए यहाँ पे, cross multiply, यहाँ 5 से करेंगे, negative sign लेना है ना, तो negative negative positive, तो हो जाएगा 60x, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव तो हो जाएगा 25y और यहाँ हो जाएगा नेगेटिव तो हो जाएगा माइनस 10, ठीक है, सबको उठा के उधर लेके चल जाओ, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 21x, ये उधर जाएगा तो प्लस 77y और ये उधर जाएगा तो माइनस 101 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है यही आपका है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, दिस इज द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, यू कैन सी हियर, ओके बहुत आसान है, सिर्फ मेथड्स फॉलो करने हैं। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। पिछला क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा था, इसमें आपको पूछ रहा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, बताइए, मेथड वही होगा जो हम लोग जानते हैं, सिर्फ फॉलो करना है। तो लिखो सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे गिवन लाइंस, क्या क्या होगा लाइंस, तो एक L1 हो जाएगा, देखिए इसमें कांस्टेंट टर्म जो है नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाओ तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल 0, और दूसरा जो लाइन है ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव है इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, तो यहां पे आपका इतना हो गया। हम सीधे लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, बताइए एंगल बाइसेक्टर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई 50 और 50 का स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं 5 रूट 2, ठीक है। चलिए आइए, अब सबसे पहले हमको क्या करना है, चेक करना है वो कंडीशन, तो यहां लिखेंगे टेक करो, क्या करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 का डाटा, मतलब वैल्यू क्या होगा देखना है, a1 कितना है तो -1, तो -1 इंटू 7 प्लस b1 b2 तो हो जाएगा -1 इंटू -1, तो अल्टीमेटली यहां हो गया -7 प्लस 1 जो कि -6 है, ये नेगेटिव आ गया आपका। ये नेगेटिव आने का मतलब अगर a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव आता है तो माइनस साइन एक्यूट देता है, लेकिन इस बार ये नेगेटिव है इसका मतलब प्लस साइन आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर देगा। तो ये इंप्लाई कर रहा है कि पॉजिटिव साइन गिव्स एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, क्लियर। चलिए वहां से पॉजिटिव साइन ले लीजिए और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई रूट 2, और ये हो जाएगा यहाँ से कौन सा साइन लेना है, पॉजिटिव साइन, तो ये हो जाएगा 7x माइनस वाई प्लस 5, इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 2, ये रूट 2 कैंसिल हो गया, 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा -5x माइनस 5y प्लस 15 इज इक्वल टू 7x माइनस वाई प्लस 5, सबको उठा के उधर लेके चल जाओ, तो देयरफॉर ये हो जाएगा 12x प्लस 4y माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये जो आपको दिख रहा है फाइनली बॉक्स में
रेक्टेंगुलर बॉक्स में, यही आपका क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, दिस इज रिक्वायर्ड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्लियर? चलिए आइए, ठीक है।